बच्चे डे 24 में आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने एनसीईआरटी में भी डिस्कस किए थे, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। देखो बच्चे, बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है, जब भी हम लोग बात करते हैं देखना, पॉपुलेशन, स्पीशीज, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। जब पॉपुलेशन की बात की जाती है तो कोई एक की बात की जाती है ना, आपकी कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, तो आपके ऊपर आपको ध्यान किस पे जाता है, ह्यूमंस पे जाता है, ठीक है ना। एक, फिर उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, स्पीशीज़ की, कितनी स्पीशीज है, कितना नंबर है स्पीशीज़ का, ठीक है। फिर हमारा स्पीशीज़ पे जाएगा, जो ब्रांचेज हैं ये स्पीशीज़ हैं। फिर उसके बाद आप देखो कि उनके अंदर हम देखेंगे कम्युनिटी, ठीक है, कितनी कम्युनिटीज़ बनती हैं, ठीक है, और फिर वो कम्युनिटीज़ कहाँ रहती हैं, वो आपका क्या कहलाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर कहलाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसका ये वाला सही है, ये जो है ये तीन के तीन गलत हो गए, ठीक है बच्चे। ये देखना क्वेश्चन, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, की स्टोन का मतलब होता है, मानो कहीं बॉटल नेक इफेक्ट में कोई एक स्पीशीज रह गई, जैसे है ना, बाकी सारी लैंडस्लाइड फॉरेस्ट या इससे फॉरेस्ट फायर से या आपके वोल्केनोज इरप्शन से ख़त्म हो गई, ठीक है, तो कोई एक स्पीशीज बच गई है, जैसे हमारा ये बॉटल नेक इफेक्ट होता है ना, तो मानो ये सारी स्पीशीज जो है ख़त्म हो गई है, अब ये जो कोई एक स्पीशीज है इसको हम की स्पीशीज बोलेंगे, ठीक है, बाकी सारी ये ख़त्म हो गई है फायर फॉरेस्ट, तो बॉटल नेक में फंस गई है, एक स्पीशीज बच गई है, अब इसको हम लोग कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं, क्योंकि ये एक वो स्पीशीज है जो इकोसिस्टम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखो बोल रहा है प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर, तो ये मतलब गलत हो गया ना बच्चे, की स्टोन स्पीशीज वो होती है जो एक बचती है, बहुत कम होती है, तो मैक्सिमम नंबर में तो गलत हो गया। दूसरा बोल रहा है दैट आर मोस्ट फ्रीक्वेंट, ऐसा भी नहीं है बच्चे। अटेनिंग ए लार्ज बायोमास, कहाँ से बायोमास जब उसका नंबर ही कम है, तो कंट्रीब्यूटिंग टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टी, यस, वो इकोसिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, वो इकोसिस्टम के लिए कंट्रीब्यूशंस के लिए प्रॉपर्टीज हो सकती है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तभी उसको हम लोग कीस्टोन बोलते हैं, तो डी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सही है। देखना बच्चे बोल रहा है निश ओवरलैप इंडिकेट, निश होता हैबिटाट, टू डिफरेंट पैरासाइट्स ऑन द सेम होस्ट, शेयरिंग ऑफ वन आर मोर रिसोर्स बिटवीन द टू स्पीशीज, ये होता है निश। एक ऑर्गेनिजम्स एक या दो रिसोर्स के लिए कम्पीट करे, ठीक है, एक या दो रिसोर्स आपस में शेयर करे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निश ओवरलैप, ठीक है, शेयरिंग वन आर मोर रिसोर्स बिटवीन द टू स्पीशीज, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निश ओवरलैप इंडिकेशंस, ये ठीक हो गया बच्चे आपका। एक और देख लेते हैं, जैसे इसमें हम लोग ये देखो, एनिमल्स दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ सेलिनिटी, तो अभी हमने बोला था बच्चे यूरोहेलाइन जो होता है वो वाइड टॉलरेट है ना, वाइल्ड रेंज ऑफ टॉलरेंस होता है, ठीक है, किसकी, टेम्परेचर की, और जब सॉरी साल्ट की, ठीक है, जब स्टीनोहेलाइन की बात की जाती है बच्चे तो वो क्या होता है, नैरो, ठीक है बच्चे, स्टीनोहेलाइन विच इज नैरो। एक और देखो बच्चे, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस ये फिश की मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, एनाड्रोमस और कैटाड्रोमस फिश की मूवमेंट को, फ्रेश वाटर टू साल्ट, साल्ट टू फ्रेश। नेक्स्ट बोल रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन, इसका आंसर पता चल गया तुम्हें, ए पार्ट है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया टेन टू फॉलो सिग्माइड कर्व इन केस ऑफ मेनी अदर एनिमल स्पीशीज, टेन टू रीच जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ एज इन केस ऑफ सम एनिमल स्पीशीज, कैन बी रिड्यूस्ड बाई परमिटिंग नेचुरल क्लेमिटीज एंड इन्फोर्सिंग बर्थ कंट्रोल मेजर, कैन बी रेगुलेट बाई फॉलोइंग नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, जो कि इंडिया ने सबसे पहले दी थी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग को इंट्रोड्यूस किया था, तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया का डी वाला स्टेटमेंट है, ये करेक्ट है। इसमें आप लोग इसका फॉर्मूला याद करोगे, ठीक है,
इसमें आप देखोगे मोस्ट स्टेबल कौन सा है, स्टेबल पॉपुलेशन कौन सी होती है बच्चे। ठीक है बेटा, तो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करे। थैंक यू।